मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी द्वारा मंडी के सेरी चांदनी में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा 25% बस किराए वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगातार बस किराए में वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में 50% के आसपास हो गई है। इस बीमारी के दौर में जहां लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी, उस समय ये किराए वृद्धि आम जनता की लूट है। प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है और ये फैसला भी आम जन विरोधी है। माकपा पूरे प्रदेश के अंदर इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बीमारी के दौर में केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। इस वृद्धि से आम जनता बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। यदि केंद्र व प्रदेश सरकार इन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई माकपा पूरे प्रदेश में लड़ेगी और सरकार को मजबूर करेगी ये फैसला वापस ले। इस अवसर पर माकपा जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल, राजेश शर्मा, महिला समिति जिलाध्यक्ष बीना वैद्य, गोविंद शर्मा, सुरेंद्र कुमार इत्यादि लोगों ने हिस्सा लिया। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश के ब्लॉक और जिला लेवल के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है। जो दो तीन दिन पहले जो प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 25% जो बस किराया वृद्धि के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है पूरे प्रदेश के अंदर। हमारी पार्टी का मानना है कि ये जो दौर है आज ये साधारण दौर नहीं है, ये दौर पेंडेमिक का है, बीमारी का दौर है। और उस दौर में जहां सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए थी, राहत पैकेज देना चाहिए था, वहां उल्टा इस सरकार ने जो लोगों के ऊपर एक आर्थिक बोझ जो है बड़े रूप के अंदर बस किराए वृद्धि के रूप में दिया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बसों में कौन सफर करता है? इससे पहले सरकार का जो एक वाक्य आया था कि MLA और MP को जो है बस के अंदर यात्रा जो है उसको बंद कर दिया गया है, फ्री के अंदर जो थी। हम ये कहना चाहते हैं कौन सा विधायक है या MP है जो बस के अंदर सफर करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर? और आज प्रदेश के अंदर जो बस के अंदर सबसे ज्यादा सफर करता है वो मिडिल फैमिलीज हैं या गरीब लोग हैं जो दिन दिहाड़ी कमाने के लिए जो इधर से उधर जाते हैं। अगर उनकी दिहाड़ी आज की डेट के अंदर देखें तो जिस रूप में पेंडेमिक के अंदर आज रोजगार नहीं है और बस किराया आज बढ़ाया जा रहा है, माकपा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज पूरे प्रदेश के अंदर सांकेतिक रूप के अंदर आज प्रदर्शन कर रही है। आने वाले समय के अंदर अगर ये फैसला वापिस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के अंदर जोर शोर से जो प्रदर्शन होंगे, चाहे उसके अंदर किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जब से ये भाजपा सरकार आई है इसने प्रदेश के अंदर जो बस किराया है इसको 50% के आसपास जो बढ़ाया पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर, और देश के अंदर जो सरकार है वो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा रही है। और पार्टी का ये मानना है कि ये जो जनविरोधी फैसले हैं सरकार तुरंत वापस ले और लोगों को राहत पैकेज दे जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सके। हमारी अगर मांगों को नहीं माना जाता तो आने वाले समय के अंदर माकपा अन्य जन संगठनों के साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो है, चाहे चक्का जाम है, चाहे घेराव है MLO का, MPs का या दूसरे, हम उसके अंदर भी जाएंगे और इस फैसले को वापस लाने के अंदर जो पूरा काम करेंगे।